सिरमौर में बेसहारा बच्चों के बनाए गए बाल निकेतन से चार बच्चे रात को भाग निकले और जंगलों से होते हुए सोलन के कावा गांव में पहुंचे। सारी रात ठंड से बच्चे गांव में ठिठुरते रहे। सुबह जब गांववासी वहां से गुजरे तो उनकी नजर रोते बिलखते बच्चों पर पड़ी। गांववासी भी छोटे चार बच्चों को अपने गांव में देखकर हैरान थे। उनसे जब गांव में आने का कारण पूछा तो खुलासा हुआ कि ये बच्चे साथ लगते बाल निकेतन से भागकर आए हैं, क्योंकि उनसे वहाँ बाल निकेतन संचालक अमानवीय व्यवहार करते थे। ये जानकर गांववासियों में भारी रोष देखा गया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी सूचना मिलते ही गांव में पहुंच गई और बच्चों से आवश्यक पूछताछ की गई। बच्चों के परिजनों से भी संपर्क साधा गया। बाल निकेतन को भी इस बारे में सूचित किया गया। जानकारी मिली है कि बाल निकेतन द्वारा भी बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट सराहा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। गांववासी जिसने सबसे पहले बच्चों को देखा उसने बताया कि उन्हें लगा कि बच्चे रास्ता भटक चुके हैं। उनसे इस गांव में आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और उन्हें सहयोग देने की बात भी कही। आज सुबह मैं जैसे सोके उठा वैसे मेरे को चार बच्चे रास्ता भटके हुए दिखे, तो मैंने बुलाया उनको और बच्चे से पूछा बच्चे कहाँ जाना आपने, और बच्चे सारे बच्चे रोने शुरू कर दिया बच्चों ने। और तब बुलाया मैंने उनको, बच्चों को चाय पढ़ाई और चाय पढ़ाने के बाद खाना खिलाया। उन बच्चों की स्थिति देखते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना दी चौकी भोजनगर को, तो सूचना देने के बाद चौकी वाले भी बुलाए और बच्चों को खाना खिलाया, पूछा बड़े प्यार से, जो कि मेरे को बच्चे ऐसे भटके हुए महसूस हुए, जो बच्चे रोना शुरू कर दिया उन्होंने बच्चों ने। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने उनको बच्चों को प्यार से अपने पूछताछ करके उनके एड्रेस वगैरह ले देके फुल सहयोग देने की बात कही। वहीं जब इस बारे में बाल निकेतन के संचालक आरएस नेगी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास 22 बच्चे बाल निकेतन में हैं और उनमें से चार बच्चे शाम को भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई थी। उन्होंने बताया कि ये बच्चे करीबन चार माह से बाल निकेतन में हैं और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा गया है। सभी बच्चों को बेहद प्यार से रखा जाता है, जिसकी समय समय पर तीन तरह से जाँच भी की जाती रही है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे किन कारणों से भागे ये उनके लिए भी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि ये वे बच्चे हैं जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा विभिन्न जगहों से असाधारण परिस्थितियों में रेस्क्यू किए गए थे। बच्चों को वास्तविक परेशानी क्या रही और क्यों वे बाल निकेतन से भागने पर मजबूर हुए इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। बच्चे क्योंकि असाधारण और स्वतंत्र परिस्थितियों से रेस्क्यू किए गए थे, कयास लगाए जा रहे हैं कि वे शायद बाल निकेतन के माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाए।